सिंह का सवाल लेते हैं, इरेडा पे राय दीजिए, 169 की बाइंग है इनकी, 100 शेयर हैं, बताइए क्या करना चाहिए जी। इरेडा का, जहां तक इरेडा का बात है, ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में हमें मालूम है अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आने वाले 5 से 7 सालों में लगभग 500 GW का जो है कैपेसिटी है डिजाइन, तो उस हिसाब से देखिए रिन्यूएबल में जो इनका काफी प्राइमरी एरिया है, तो अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। सेम टाइम इसको रिटेल सेल्स के लिए भी लाइसेंस मिला हुआ है, तो ग्रोथ के लिए आज कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो एटलीस्ट 20-25% के बीच में, जो काफी बेहतर माना जाता है। लेकिन इसका कंसर्न हमें केवल वैल्यूएशन के साइड में आते हैं। अगर मैं देखूं स्ट्रीट का जो भी अर्निंग्स, जो मैंने बताया इनका 20-25% का ग्रोथ है, उसके बावजूद भी इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है दैट वुड बी अराउंड 1.8-2% के बीच में होगी। ये रिटर्न ऑफ एसेट बना करके अगर ये जो वैल्यूएशन आज के रेट में कंपनी को मिल रहा है, चार टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू 1 ईयर फॉरवर्ड, आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा हायर साइड पे है। ग्रोथ वाइज आई एम वेरी मच पॉजिटिव, बट मुझे लगता है अभी भी इसमें टाइम करेक्शन हो सकता है, इसलिए हमारा नजरिया थोड़ा सा अभी इस पर न्यूट्रल रहेगा।